पहले नबे दिन किसी भी नई जगह जाओ तो बड़ा मुश्किल भी होता है वेदर नया है लोग नए हैं व्हाट आर द टिप्स दैट यू विल गिव टू पीपल जो पाकिस्तान से बाहर मूव कर रहे हैं व्हाट शुड दे डू इन द फर्स्ट नाइन्टी डेज आई थिंक लेट्स सी दिस इन टू सेक्शन वन है कि माइंड सेट क्या होना चाहिए अब जब लैंड होते हैं और सबसे पहले कोई आपको पिक करता है या आप कहीं जाते हैं किसी होटल जाते हैं या पहले से कोई बुकिंग कराई है आपने सबसे पहले जाके आप अपने बैग में जो आपका सारा पेट्रियोटिज़्म है वो उसी बैग में पैक करें और कहीं स्टोरेज में रख दें सबसे पहला स्टेप तो ये है दूसरा स्टेप एंड सिंस वेयर टॉकिंग टू यंग पीपल आई एम थिंकिंग वेयर टॉकिंग अबाउट पीपल इन देयर ट्वीटीज़ इन देयर इन देयर थर्डीज़ तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ बुज़ुर्ग लोगों के लिए थोड़ा डिफरेंट माइंड सेट होना चाहिए सेकेंडली आप जाते ही सबसे पहले तो ये इरादा करें कि मैंने अपनी कंट्री में जो ट्राई करना था वो मैं कर चुका हूँ और मैं हार मान के अब यहाँ पे आया हूँ तो यही सब कुछ है अब थर्ड चीज़ ये है कि आप ये डिसाइड करें कि मैं इस कंट्री से वापस उस वक्त तक नहीं जाऊँगा जब तक मैंने अपने पेरेंट्स को बैक होम सबसे महंगी और सबसे अच्छी वो गाड़ी नहीं दिला दी वो घर नहीं दिला दिया जो वो डिज़र्व करते हैं इसके बाद मेरा है सबसे बड़ा माइंड यही है कि आप अपने आ, आ, माइंडसेट को एक तरफ रख के बेसिक्स पे चले जाएं विच इज कॉल्ड गेट टू वर्क इन्वर्टेड ओके में गेट टू वर्क आप सारी जिंदगी कहते थे यहाँ नहीं करूंगा वहां जाके करूंगा अब गेट टू वर्क अब आप आ गए द क्लॉक इज रनिंग एंड द गेम हैज स्टार्टेड द स्टेज इज योर्स लेट्स सी हाउ गुड यू कैन परफॉर्म मिस्टेक्स क्या करते हैं ये तो आपने माइंडसेट की बात की पहले नब्बे दिन इस माइंडसेट को मेंटेन करने के लिए क्या करें क्योंकि इन्हीं नवे दिनों में सबसे ज़्यादा मुश्किल होगी अपने आप को ग्राउंड करने की इसमें आपको अपना बैंक अकाउंट खोलना है शायद घर ख़रीदना है या ख़रीदना नहीं सॉरी घर अरेंज करना है आ, हो सकता है इंश्योरेंस लेनी हो, हो सकता है एक आध दफ़ा बीमार पड़े हों काम खुद करने पड़े हैं अगर इंटरव्यूज पे जा रहे हैं तो आपको रिजेक्शन भी फेस करनी पड़ रही है तो ये जो माइंडसेट की टिप्स दी हैं साथ इसको मेंटेन कैसे करेंगे हमारे पास एक नई टेक्नोलॉजी है जिसे हम कहते हैं गूगल गूगल में आपको ये बताया जाता है कि कैसे आप अपना इंश्योरेंस लेंगे कहाँ से आपको आपकी गाड़ी मिलेगी कहाँ से आप अपना वो रूम बुक कराएंगे द चीपेस्ट रूम पॉसिबल इन एडिशन टू दैट दैटन ग्रुप्स इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स प्लेटफॉर्म आर प्राइमली मेड फॉर पीपल होर जिस मोवेंट रिसोर्स अनलिमिटेड हैं सुबह उठ के टाइप करके काम करने वाला इंसान होना चाहिए यू हैव टू मेक द कॉल्स यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर हसलिंग टू मेक थिंग्स हैपन इसका सबसे ईजिएस्ट वे मेरी नज़र में ये है क्योंकि मैं थोड़ा पढ़ाई में भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी मुझे टू लर्न यू राइट थिंग्स डाउन एनी थिंग यू राइट डाउन यू डोंट हैव टू रिमेंबर इट हमारी जो सबसे बड़ी जो टेंशन है ना जो कहते हैं कि लोहा और सोना

तो वो कहते थे uh, कि यू you नो know, लिखत पढ़त में कभी आप, आप स्टेट से हमेशा सच बोलें अपना पेपर वर्क इमेक्यूलेट रखें और अगर किसी से ज़बानी कलामी कोई मौदा हुआ भी है उसको कहीं लिख लें एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उन्होंने हमें बचपन में टेन कमांडमेंट सिखाई थी एंड इवन मोसेस सेड दैट यू नो सो इट भी रिटन सो शाल बी डन वाकई जो चीज़ आप लिख लेते हैं उसमें बड़ी पावर होती है